तो जाकर देखे सीरियल वाइज से, ताकि आपको मेहनत रंग लाए। जितना ज्यादा संघर्ष करोगे और जितने बड़े तकलीफ होगा उतना ही बड़ा जीत आपको मिल पाएगा। यदि बाबू संघर्ष नहीं करना जानते हो तो आगे चल के आपके जो सोच रहा है कि जिंदगी अच्छा तरीका से जीने के लिए, वो जिंदगी आप अच्छे तरीका से नहीं जी पाओगे। कहा कि जो अभी संघर्ष करेगा, जो तकलीफें झेलेगा और मेहनत करेगा, रातों के जागेगा, जो कम सोता है बाबू उसी को पता चलता है। देखो सोना कम मायने नहीं रखता, लेकिन जब उसके पीछे तू मेहनत करोगे नहीं, अब किसी की बुराइयां करना बंद कर दोगे नहीं, तो फिक्स है कि आप एक दिन आगे बढ़ जाइएगा। तो बाबू लोग किसी की बुराई मत करिए, अपने अंदर को बुराई को ढूंढिए, अपने अंदर में कामिया क्या, उस कामिया को ढूंढकर आप उसके पीछे मेहनत करिए, रियलिटी की 100% आपको सक्सेस मिलेगा। तो बाबू यदि आप आगे चल के, यदि आप अपना जिंदगी में आगे चल के अच्छा पल या अच्छे तरीका से जीने के लिए सोच रहे हैं, तो आज आपको संघर्ष या मेहनत करना पड़ेगा। बिना संघर्ष या मेहनत के बाबू आपको अच्छा दिन आने वाला नहीं। तो आज मेहनत करिए, संघर्ष करिए, पढ़िए लिखिए ईमानदारी पूर्वक से, मात्र 3 से 4 साल, बाकी अगला 30 से 40 वर्ष आपको बैठकर खाना होगा। यदि ये 3 से 4 साल मेहनत नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, तकलीफें नहीं किया, क्या होता है संघर्ष, क्या होता है तकलीफ, यदि आप नहीं किया तो समझ जाइए कि आपको सक्सेस अगला 30 से 40 वर्ष ये नहीं मिल पाएगा। बोझा ढोना पड़ेगा, धान काटना पड़ेगा, गेहूं काटना पड़ेगा, बोझा ढोना पड़ेगा बाबू, बोला बोला झोला टांगना पड़ेगा। तो ये बाबू लोग आप ये 3 से 4 साल आप मेहनत करिए, संघर्ष करिए, एक अच्छा दिन आपके लिए आएगा। बात ये और भी है कि यदि आप रेगुलर मेहनत करते हैं तभी आपको सक्सेस मिल पाएगा। एक दिन ज्यादा मेहनत की, दूसरा का दिन बंद, तो आपको कभी सक्सेस मिलने वाला नहीं। तो बाबू आपको रेगुलर मेहनत करना चाहिए। यदि रेगुलर करना जान गए और यदि वो वाला आदत धर लिया बाबू, यदि रेगुलर मेहनत करने वाला आदत धर लिया नहीं, तो समझ लो एक दिन बहुत बड़ा सफलता मिलेगा आपको। और ये आदत अपना लो, ये आदत हम लोग अपनाए हुए हैं, तब हम लोग को धीरे धीरे सक्सेस बहुत बड़ी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। यदि यदि हम रेगुलर मेहनत नहीं करेंगे तो पता है कि एक दिन दूसरा कोई हमसे आगे हो जाएगा, और जब दूसरा कोई आगे हो जाएगा तो फिर तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दूसरा के आगे नहीं होने देना, अगर आगे नहीं होना देना है तो मेहनत रेगुलर करके और लगातार करके, और जो रेगुलर और लगातार करता है ना वो कभी हारता नहीं है। तो बाबू लोग अपने आप को इस तरीका से ढालिए ताकि आप रेगुलर मेहनत कर पाइए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।